आउटलुक पॉजिटिव है, और ये जो बढ़त हो रही है, कल जैसे 500 पॉइंट बढ़ गए, आज सुबह बढ़ा हुआ था घटा हुआ था, वो तो देखिए डे ट्रेडर्स के लिए जुदा बात है। बट मध्यम से लंबी अवधि की बात करूं तो मुझे लगता है कि जो लेवल्स हैं वहां से ऊपर जा सकता है बाजार, खास करके मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत स्कोप अभी भी बचा है। कुछ अच्छे स्टॉक अच्छे करेक्ट कर गए हैं, और जैसे ही ये ब्याज दरों के कटने का सिलसिला चालू होगा तो मुझे लगता है कि बाजार को एक बड़ा ट्रिगर मिल जाएगा सेंटिमेंटली भी और एफआई के लौटने के भी। एफआई तो फिलहाल भी अभी अगर आप देखो तो कुछ कुछ खरीदारी करना चालू कर दी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। बाजार तो तेजी के मोड में ही है, कुछ करेक्शन या कंसोलिडेशन बीच बीच में होते रहेंगे, बट क्योंकि हम फंडामेंटल वाले हैं तो लंबी अवधि की बात करूँ मध्यम अवधि की बात करूँ तो यहाँ से ऊपर जाता हुआ ही दिखता है। ओके राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बातचीत में शामिल हुए। अब इंडेक्स पे कुछ देर में आएंगे, लेकिन उससे पहले काम करते हैं बीटीएससी रेस को कंप्लीट कर लेते हैं। आशीष बहती जी, मंडे मॉर्निंग के लिए क्या कैरी करेंगे आप? जी वीरेन जी, सीमेंट स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है, और ग्रासिम का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसका भी थर्ड अटेम्प्ट हो रहा है जो इस क्लस्टर है उसे तोड़ने का, 2780 का जो क्लस्टर बना हुआ है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2750 का एक एसएन मेंटेन करे, मुझे लगता है इसमें 2850 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ग्रासिम में एक मौका तेजी का इस समय। कविता जी, आपका ट्रेड? हर्षा जी, सो फेडरल बैंक इज लुकिंग गुड। फेडरल बैंक ने 3 वीक की गिरावट के बाद 20 वेमा पर सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। लिटिल प्रियम्प्ट कर रही हूँ, 186 का अभी एज ऑफ नाउ लेवल है। मुझे लगता है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 192-194 फेडरल बैंक को चेज करना चाहिए। 182 का स्टॉप लॉस कर। ओके, फेडरल बैंक 186.50 पे। अगेन आई थिंक याद रखिएगा, ये वो बैंक्स हैं जिनका सब्सटेंशियल रेवेन्यू गोल्ड फाइनेंसिंग से भी आता है, तो फेडरल बैंक के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स ये भी है। कविता जी, आपके कैरी करेंगे? अरे अच्छा सॉरी, रचना जी, रचना जी, रचना जी, रचना जी, रचना जी, रचना जी, रचना मैं कैरी करूंगी डीएलएफ को, और डीएलएफ को ये फ्यूचर्स को इसलिए क्योंकि यहाँ पे मार्च महीने से लेके अभी तक दैट इज द लेंथ ऑफ द फ्लैग, तो इतना लंबे ड्यूरेशन के फ्लैग में से ब्रेकआउट हो रहा है डीएलएफ के फ्यूचर्स में, और ये इतना लंबा है कि वीकली चार्ट पे भी फ्लैग इज विजिबल। तो यहाँ और जो मोमेंट शुरू हो रही है वो डेली पीरियड में 200 पीरियड से भी शुरू हो रही है, सो दैट मेक्स इट ऑल द मोर रिलेवेंट। मोमेंटम इंडिकेटर्स आर विद इट, तो मेरे हिसाब से डीएलएफ के फ्यूचर्स को अगर आप बाय करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 858, तो अपसाइड पे आपका टारगेट होना चाहिए 880। ओके, तो 880 के लिए एक मौका। ये हम सोनी और शिल्पा जी में कंफ्यूजन कर लेते थे, रचना जी और कविता जी में भी हो गया। अब ये फ्राइडे फ्राइडे फैक्टर आप कह सकते हैं वीरू का। कोई नहीं, वीरू हो जाता है कभी कभी। गाबा जी बताइए, आपका ट्रेड क्या होगा? वेल, गुड इवनिंग टू यू। स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। मुझे लगता है यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिल चुका है कल और आज कंटिन्यू हुआ है। मेरे से ये मूव जो है कायम रहेगा, बहुत बढ़िया लॉन्ग कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला है। ट्रेड कर रहा है 1215 में, स्टॉप लगा है कि 1210 का, ज्यादा नहीं 5 रुपया ऑन द अपसाइड, जो टारगेट होगा 1230 एक्सिस बैंक। ओके, राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड मंडे मॉर्निंग के लिए? राजेश जी, वो अनम्यूट वाला बटन दबाइए जरा प्लीज, अनम्यूट वाला बटन। हाँ जी, वीरेन जी देखिए, मैं ओबेरॉय रियलिटी को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है 1800 के ऊपर, 1790 का स्टॉप लॉस होगा और 1850 का इसका एक स्विंग का टारगेट होगा। ओके, अब आते हैं देखिए इंडेक्स पे। निफ्टी आईटी का क्लोज हमें ठीक ठाक मिल रहा है, सुटेबल क्लोज है। निफ्टी बैंक का जो क्लोज आएगा करीब करीब आप समझ लीजिए 51,935, इसे कहते हैं क्लोजर टू एज, और ये एक ब्रेकआउट है यकीन मानिए, बट एज पर द ऑप्शन ये ब्रेकआउट नहीं है। मतलब टेक्निकली आप कह सकते हैं कि रेंज से बाहर निकल चुका है, लेकिन ऑप्शन वाइज नहीं। देखिए, अगर आप पोजिशनली लॉन्ग हैं तो रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ तक बात है कि बहुत शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से ट्रेड पे क्या करना चाहिए, मेरी मानिए आज भी ट्रेड कैरी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जो नियरेस्ट सप्लाई जोन है वो दो फैक्टर्स हैं। एक है कल का हाई, दैट इज 25, लगभग लगभग 438,
और 25,500, क्यों? वहां बड़ा कॉल राइटर है, 25,400 पे बड़ा कॉल राइटर है, और तीसरा फैक्टर हो गया स्विंग हाई 433। तीन फैक्टर्स जो हैं वो आपके अगेंस्ट हैं। बेटर ये होगा कि पुट राइटर्स के जोन के आसपास, यानी 25,300 के आसपास हमें बार बार जब मिले, जैसे आज मिला सुबह मॉर्निंग में, तो हम उसे ग्रैब करें। तो पोजिशनली मेरे ख्याल से जब तक 25,200 है, 25,150 है, कोई निकलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ट्रेड दोबारा री एंट्री मारनी है, तो मेरे ख्याल से वेट फॉर आई थिंक फर्दर रिट्रेसमेंट ऑफ 30-40 points टूवर्ड्स 25,300 और 276। वो आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो को बेहतर रखेगा। एक बात मान के चलिएगा, एज पर द कॉल राइटर्स, ये जो 23,400 और 23,500 है, ये बहुत ही एक आई थिंक हैवी जोन है। बाकी देखिए मंडे को फोर्स क्या होती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी लिस्टिंग भी है, ठीक है। और रही बात निफ्टी बैंक की, एक जनाब ने मुझसे पूछा ट्विटर पे अभी कि क्या कैरी करें। देखिए आज बहुत अच्छा ट्रेड मिला निफ्टी बैंक में, एक कैलकुलेटेड रिस्क था, आपने ऑप्शन बेस पे बाय किया और कहाँ छोड़ दिया, 51,950 सुबह के लेवल से मेंशन था, टेक योर